योग हमारे जीवन का सर्वोपरि ध्येय है। बाकी जो भी हमारे घर परिवार और इस संसार के प्रति दायित्व निभाने हैं वो हमारा गौण कार्य है और मैं उसको जी रहा हूं। मैंने योग को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाया हुआ है और इस संसार के प्रति जो मेरे कर्तव्य है उनको भी मैं प्रामाणिकता से निभा रहा हूं। और एक योगी ही जो योग को सर्वोपरि लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति इस सारे संसार के प्रति अपने दायित्वों को ठीक से निभा सकता है और दूसरा कोई निभा भी नहीं सकता। इसलिए आपको पूरी जागरूकता के साथ पूरे प्रयत्न के साथ पूर्ण पुरुषार्थ के साथ योग को सर्वोपरि लक्ष्य बनाना है और योगस्थ होकर के फिर अपने योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योगः कर्म सुकौशलम। फिर योग के बारे में जितनी भी परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में दी गई हैं वो योग का सारे सारा सत्य हमारे भीतर घटित होगा। अनुलोम विलोम ऐसे निरंतरता के साथ करो, रुकना नहीं है, लय के साथ करना और करते करते बस योग के भौतिक लाभ तो हमें मिलेंगे ही, योग का आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय शक्ति सामर्थ्य अतीन्द्रिय सुख शांति से जुड़ जाए, भगवान के साथ एकाकार हो जाएंगे। प्रभो तेरी शरण, अनुलोम विलोम प्रणायाम भगवत शरणागति के साथ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की पूर्ण शरणागति, प्रभो तेरी, प्रभो तेरे अंग संग जी, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे बोलूं। सृष्टि के कण कण में जीवन के एक एक क्षण में प्रभु तेरे अंग संग जी, तुझसे ही तो सब कुछ है, तेरा ही तो सब कुछ है, तेरे लिए ही सब कुछ है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां च प्रभु, हे ना हे नारायण मैं तुझे बस तेरा होकर के जी। भगवान के दिव्य ज्ञान से, ईश्वर के दिव्य प्रेरणाओं से, दिव्य शक्ति सामर्थ्य से युक्त होकर के जीना जीवन को, यही तो योग है, यही जीवन हमें जीना है। ऐसी दिव्यता हमारे जीवन में हो बस, कि बस हमने अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया, फिर जो करवा रहे हैं प्रभु बस उसको किए जा रहे हैं। ऐसे अनुलोम विलोम 5-10 मिनट लगातार करना, पहली अंगुली 10-15 मिनट तो रोज करने, असाध्य रोगों में तो कपाल भाती अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा, और बहुत ही ज्यादा रोग हो गए हैं अब जीवन की कोई आशा ही शिष्य नहीं रहे तो एक एक घंटा भी कराते हैं कपाल भाती अनुलोम विलोम, पहले अंगुली माथे पर, अब शेष तीन अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से
नीत प्राणायाम। ऐसे कम से कम 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत, और जिस दिन थोड़ा समय अधिक हो तो 11-21 बार तक भ्रामरी, 11-21 बार तक उद्गीत कर लेना, और करते करते अपने आप ही फिर ध्यान लग जाता है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, और भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। भगवान के साथ एकाकार होने का अर्थ है भगवान की संपूर्ण दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं, भगवान के प्रतिरूप हो जाते हैं, भगवान के ही हम मूर्त रूप हो जाते हैं, हमारे भीतर ही भगवत्ता घटित हो जाती है। इसी को कहते हैं तत्त्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए, ओंकार के साथ एकाकार होते हुए हम स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरुष भगवान परमात्मा के साथ एकाकार हो। और संपूर्ण ईश्वरीय दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं। श्वासों के साथ जब ध्यान करते हैं तो अंतर्मुखी हो जाते हैं, और हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार में, कहीं पर भी एक जगह मन को टिका दिया, इसको कहते हैं धारणा, देशबंधस चित्तस्य धारणा। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, उसी में समाहित हो गए। तदेवर्थमात निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, समाधि लग जाती। त्रयम एकत्र संयम तज्ञात प्रज्ञालोक तस्य भूमिश विनियोग प्रातिभात वासना। आइए दोनों हाथों पर उठाइए, आपस में गढ़ते हैं, okay।
पैरों को सामने खोल लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। ध्यान के तुरंत बाद कोई भी तेज व्यायाम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा पैरों को हिला लिया, बटरफ्लाई कर ली, थोड़े रिलैक्स होकर के फिर योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। तो आज आपको योग के मूल सिद्धांत बता रहे हो, आप रोग अनुसार आसन करवाएंगे। तो मुख्य भूमिका किसकी है योगाभ्यास में? अभ्यास में, जब आप अभ्यास करते हैं ना 2 घंटे, वैसे तो योगाभ्यास का मूल उद्देश्य आचरण की दिव्यता। किसकी दिव्यता बोलो? कुछ लोग कहते हैं आसन बहुत ज्यादा लाभदायक है, कोई कहेंगे प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभदायक है, कोई कहेंगे ध्यान ही सब कुछ है, समाधि सब कुछ है। अब इसमें बहुत तरह के मतभेद, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा सा है ना, ऐसे पैरों को घुमा लीजिए, थोड़ा हिला लीजिए, इसमें भी कई तरह की मान्यताएं फिर मिलेंगी आप। तो आपको किसी झगड़े में नहीं पड़ना है। तो आप इतना बोलना कि योग के सभी पहलुओं को जैसे हमारे ऋषियों ने यथायोग्य महत्व दिया था, ऐसे योग के प्रत्येक पहलुओं को हम यथायोग्य विवेकपूर्ण महत्व देते हैं। हम आसन प्राणायाम को भी महत्व देते हैं, ध्यान को भी महत्व देते हैं। आसन प्राणायाम ध्यान अष्टांग योग क्रिया योग हठ योग ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, अब इसमें ना लोग अपनी अपनी मान्यताएं घड़ लेते हैं। ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति में ही सब कुछ है, भक्ति में ही शक्ति है भाई, ऐसे अलग अलग प्रकार से अपनी मन घड़ंत मान्यताएं बना लेते हैं। हमको ये खाली योग के संदर्भ में नहीं, जीवन के प्रत्येक पहलू के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूं। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, लंबे लंबे श्वास, ऐसे हमें जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण रखना है। क्या बोला? जीवन में हमें एक दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए। हम जब भी किसी संदर्भ में बात करते हैं ना तो अतिशयोक्ति में पहुंच जाते हैं। हमें एक सम्यक दृष्टि के साथ जीवन को जीना है। जीवन के लगभग हर पहलुओं में ये बात लागू होती है। दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम इसलिए करा दिया आप रिलैक्स हो सके। ऐसे ये ऐसे अंगुलियों को ऐसे करना, ऐसे करना, फिर ऐसे घुमाना दोनों तरफ से, फिर ऐसे करना, लंबे लंबे सांस। आपको सूक्ष्म में हम जल्दी कराना है तो 2-2, 3-3 बारी एक एक अभ्यास को करा दिया। जीवन में संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, हर पहलू को एक संतुलित रूप से महत्व देना। थोड़ा कम समय है तो 2-2, 3-3 बार ही एक एक अभ्यास को कर लिया। कुछ कहेंगे योगी सब कुछ है, कुछ कहेंगे आयुर्वेद सब ही सब कुछ है, कुछ कहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा ही सब कुछ है, कुछ कहेंगे एलोपैथी ही सब कुछ है, कुछ कहेंगे होम्योपैथी ही सब कुछ है, कुछ कहेंगे सिद्धा यूनानी और तिब्बतन मेडिसिन ही सब कुछ है। अलग अलग गिरोह बन जाते हैं, फिर अपने को ये गिरोह नहीं बनाना कोई भी है। फिर ये तो चिकित्सा का संदर्भ है, ऐसी शिक्षा के संदर्भ में कोई कहेंगे अरे साइंस पढ़ नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पढ़ा।
कुछ कहेंगे हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ कहेंगे आपने कानून की पढ़ाई नहीं की तो कुछ भी नहीं पढ़ा, कानून का उल्लंघन किया तो सीधा जेल में जाएगा, एक कदम भी आगे नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए कानून की शिक्षा बहुत जरूरी है। कुछ कहेंगे आपने यदि अलग अलग वेद नहीं पढ़ा तो जीवन का भेद ही नहीं खुलेगा, आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ करके बेकार कर दिया, पूरी जिंदगी बेकार कर दी। तो ऐसे एजुकेशन के फील्ड में, ऐसे ही हर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जीवन के जितने भी पहलू हैं, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, अलग अलग जो पहलू हैं जीवन के, हर एक पहलू को संतुलित रूप से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब खड़े हो जाइए, अब आपको योग के मूलभूत सिद्धांतों का बोध कराने के बाद रोगानुसार योगाभ्यास के क्रम में सबसे पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। मोटापा के लिए अभ्यास बताएं, मोटापा के लिए, हर रोग के लिए। अब जैसे मोटापा के अभ्यासों में भी 6 अभ्यास हमने प्राणायाम के ही उसमें रखे, रोगों के अनुसार हमने एक अभ्यास क्रम तय किया कि किस रोग में कितना योग करना जरूरी है। तो वो अभ्यास क्रम इसलिए कि व्यक्ति के पास समय तो बहुत थोड़ा ही रहता है। कुछ लोग तो कहते हैं बाबा जी हमको बस खाली 10 मिनट क्या योग करना उतना ही बता दो। मैंने कहा 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम ही कर लो, और फिर इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं आएगी, फिर मैंने कहा थोड़ा समय भी लगाना पड़ेगा। जब आप लोग पिक्चर देखने के लिए 2-2.5 घंटा लगा देते हो, कोई सीरियल देखने के लिए भी कम से कम आधा घंटा लगा देते हो, जब टॉयलेट में बाथरूम में भी 1.5 घंटा खर्च कर लेते हो, चाय पीने में जब 1.5 घंटा लगा देते हो, तो 1.5 घंटा तो कम से कम योग कर लो। तो ऐसे फिर रिलैक्स। तो चलो बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर दिया है, अब आपको मोटापा के लिए अभ्यास, फिर मेरुदंड के लिए अभ्यास, फिर पेट और मधुमेह के लिए अभ्यास। तो आज हम खाली योग की बात करेंगे, फिर कल हम योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और इन रोगों के बारे में अनेक पहलू हैं, उन सबको भी साथ में रखेंगे। तो अभी सबसे पहले दोनों हाथ सिर के ऊपर, हाथों की हथेलियों का रुख नीचे की ओर, जब हाथ ऊपर उठाएंगे तो हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, दोनों पैरों में फासला, श्वास अंदर भरते हुए राइट साइड में झुकना, एक ही दिशा से सब करेंगे, राइट माने दाहिनी ओर, एक मेरे से विपरीत आपका राइट होता है, मेरा मुख आपकी तरफ है, ऐसे झुकना, फिर वह कोहनियां सीधी, फिर दूसरी ओर से, कोई भी अभ्यास कम से कम 2 बार धीरे धीरे करना है। लंबा गहरा श्वास, लंबे श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, श्वासों का खास नियम होगा इन सभी अभ्यासों में, फिर बीच में। तो लंबा श्वास लिया और छोड़ दिया, ऐसे ही कर लिया तो भी बात बन जाएगी। अब इसको जल्दी करना है, कैसे, ऐसे, ऐसे लंबा सांस लिया और छोड़ा, एक अभ्यास को 10-20 बार से लेकर के 25-50 बार करना। खाली योगाभ्यास से मोटापा कम नहीं होगा, योगाभ्यास के साथ खान पान भी में भी सुधार करना पड़ेगा, दिनचर्या में भी सुधार करना पड़ेगा। अब अगला अभ्यास, दोनों साइड दायां हाथ ऊपर उठाएंगे, बाएं ओर झुक जाएंगे, बाएं हाथ कुछ का पहले घुटने के पास, फिर धीरे धीरे टखने के पास जाएगा, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ सामने देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी ओर, ऐसे थोड़ी देर रुकिए, दायां हाथ नीचे टखने के पास, ऊपर वाला हाथ कान से लगाओ, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, फिर वापस, बहुत जल्दी कर रहे हो। अब त्रिकोणासन के 2 अभ्यास हैं, एक तो वो हाथ ऊपर करके ऐसे देखना, ऐसे एक पैर को ऐसे साइड में कर देना, वो अलग अभ्यास, एक एक आसन के भी 2-3 तरह के, 4 तरह के भी अभ्यास होते हैं,
भुजंगासन चार तरह से किया जाता है, सर्वासन चार तरह से किया जाता है, ऐसे ही त्रिकोणासन ये दो तरह से किया जाता है। तो मोटापा के लिए ये वाला अभ्यास उत्तम है। ये वाला अभ्यास करने से मोटापा के लिए विशेष लाभ नहीं होगा, ये बॉडी के बैलेंस के लिए जो है उसके लिए ठीक है। तो त्रिकोणासन का ये मोटापा के लिए विशेष अभ्यास। दाएं हाथ उठाएंगे एक साथ, एक बाएं और झुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, नीचे रुकिए रुकिए रुकिए, ऊपर वाले हाथ के थैली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने से लगा हुआ, फिर वापस। अब बाएं हाथ को उठाएंगे, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास, ऊपर वाले हाथ के थैली नीचे की ओर, फिर वापस। तो ये तो धीरे हो गया, अब तेजी से करना है। कितनी बार? 25 से 50 बार तो मोटापा कम होता है। तो अभी भी किसी को कम करना हो 10-20 ग्राम, 100-200, 500 ग्राम, तो 25-50 बार कर लो। देखो, नीचे झुकते समय श्वास छोड़ देते हैं तो फिर अच्छे से झुक पाते हैं। ऐसे कितनी बार कराना है? पहले दिन 10-15 बार, दूसरे दिन 20-25 बार, तीसरे दिन 50 बार। तो 50 बार ऐसे साइड से करेंगे तो एक्सेस फैट सारा क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा ये साइड। अब त्रिकोणासन के बाद, पहला था तिर्यक ताड़ासन, दूसरा क्या है? ये त्रिकोणासन। अब क्या करेंगे? कोणासन। दाएं हाथ से बाएं हाथ को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर, एक थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में, पहले रुकिए थोड़ी देर, दो, बीच में रुकेंगे, बीच में ऐसे, तीन, रुकिए थोड़ी देर, रुकिए, चार, ऐसे एक दो बार कम से कम, एक बार तो कम से कम धीरे करो, दूसरी बार भी थोड़ा धीरे करो, उनको रुकिए रुकिए, दो, बीच में रुकिए, तीन, चार। अब फास्ट करना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। लंबा लंबा श्वास, कुछ हिला शरीर, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। आजकल बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रह गई है। क्या हो गया है? शरीर अकड़ गया है, बॉडी स्टिफ हो गई, स्टिफ। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी बहुत जरूरी अभ्यास है। अब दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाएंगे, ए, दो, आगे झुक जाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे, पाद हस्तासन, माथा घुटनों से लगाइए, थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में, दोनों हाथ पंजों के बराबर टिका दीजिए, थोड़े मसल्स खींचते हैं पीछे के, खींचने दीजिए, वापस। कुछ तो खड़े मिले वापस मुझे पहले,
फिर श्वास बाहर छोड़ करके, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक किसी को वापस नहीं आना। फिर वापस, ये इस बार ठीक किया। अब फास्ट, एक दो, एक दो, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, श्वास अंदर भर के पीछे, पीछे भी पूरा जाना, गिरना मत, बस लंबे लंबे श्वास। पूरी एकाग्रता से, पूरी प्रसन्नता से, पूरे उत्साह से, कितने अभ्यास हो गए? चार।